हिंगनघाट शहर में सोमवार की सुबह एक कंटेनर में बैठ के जा रहे 28 लोगों को पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए नेशनल हाईवे पे पकड़ा गया है। यह सारे लोग हैदराबाद से आगरा अपने गांव के लिए निकले थे। तब यह सारे लोग विभिन्न जगह के थे। हैदराबाद में सारे लोग अलग अलग जगह पे काम करते थे। हिंगनघाट पुलिस द्वारा पकड़े गए इन सारे लोगों में 3 लोग ऐसे भी थे जो कपड़े का व्यवसाय करते थे। हैदराबाद में व्यवसाय करते थे, तब एक बच्चा और 2 बड़े व्यक्ति थे जो अपने एक्टिवा टू व्हीलर से हैदराबाद से आगरा के लिए निकले थे। तब रास्ते में जाते हुए कंटेनर दिखा तो वो भी अपनी गाड़ी को कंटेनर में डाल के बैठ गए। सभी को शहर में स्थानबद्ध करके हिंगनघाट शहर में जो कमला नेहरू स्कूल है, इस तरह की लोगों की व्यवस्था वहाँ की गई है। लेकिन वहाँ जहाँ व्यवस्था की गई वहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से व्यवस्था नहीं दिखी। उनको आराम करने के लिए सोने के लिए एक भी दरी या बिछाना नहीं था। सामाजिक संगठन की ओर से उनके लिए चाय बिस्किट पानी की व्यवस्था की गई, तब भी प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ। सभी लोग कह रहे थे कि हमें घर जाने दीजिए, ऐसी गुहार पुलिस प्रशासन से करते हुए दिख रहे थे। तब किसी के आंखों में पानी आ रहा था। सब बोल रहे थे कि हमारा परिवार हमारी राह देख रहा है, परिवार के पास पैसे नहीं हैं, हमें जाने दीजिए। तब सारा परिसर नम आंखों से देख रहा था। एक तरफ भीड़ कम करने की कोशिश कोरोना वायरस के उपाय योजना में की जा रही है, तब शहर के पंजाब बैंक के सामने आगे नियम की धज्जियां उड़ाते देखी जा रही थी। ग्राहक नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में तब क्या समझने के बाहर की स्थिति हिंगनघाट शहर में दिखने लगी। सभी राज्यों की सीमा सील कर दी गई है, तब लोगों का आना जाना इस प्रकार शुरू है। महाराष्ट्र के सभी जिलों की सीमा सील कर दी गई, तब भी इस प्रकार से लोग आ जा रहे हैं। इस प्रकार लोग जाने लगे तो कोरोना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हिंगनघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट। मैं अपने बच्चों को लेकर आ रहा था, मतलब तिरुपति से, वहाँ से एक होटल पे से मैं गाड़ी में चल गया था। सोचा था कि गाड़ी कम चलेगा, इसलिए मैं इसको लेके बैठ गया था। मेरे को घर जाना है, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा। हम तो फेरी का काम करते थे, कपड़े का काम, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, यहाँ से शामली डिस्ट्रिक्ट यूपी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब ये छोड़ नहीं रहे, लेकिन मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है। घर पे मतलब सुन के सब घर वाले परेशान हो गए, तो मेरे सोच रहा हूँ कि इधर से छोड़ दो मेरे को, मैं चला जाऊँ। मेरे साथ में लड़का है, 11 साल का है।